हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बात करने वाले हैं आपकी फर्स्ट लिस्ट के बारे में और आपकी जो काउंसलिंग होगी दोबारा, किन किन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करानी है और कब तक आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नई नोटिफिकेशन के बाद में ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है दोस्तों? और कुछ आपको छोटी मोटी जानकारी देनी होगी, कट ऑफ वगैरह के बारे में वो भी दे देंगे, और किन किन अभ्यर्थियों को रिकाउंसलिंग करानी वो भी आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो में, और कितने नंबर वाले अभ्यर्थी करा सकते हैं काउंसलिंग वो भी आपको थोड़ा जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नए नए अपडेट के लिए, ठीक है दोस्तों? तो बात करने वाले हैं आपको फर्स्ट लिस्ट के बारे में। जो फर्स्ट लिस्ट अभी आने वाली थी उसकी जगह पे अभी एक नया नोटिफिकेशन पकड़ा दिया गया है बोर्ड के द्वारा। 3 कॉलेज यहाँ पे प्लस हो गई हैं, 250 सीटें भी ऐड की गई हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ आपने देख ही लिया होगा। तो अभी अगर ये नोटिस नहीं आता तो आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाती है। अभी इसमें फिर टाइम लगेगा आपको, आपके जो फॉर्म है वो दोबारा सभी का खोलेगा, इसमें आप बदलाव कर सकते हो। अगर आपने वो फीस दोबारा जरूर नहीं भरनी पड़ेगी किसी अभ्यर्थियों को, जो नया काउंसलिंग कराएगा उसके लिए भरनी है फीस, ठीक है? फॉर्म आपको दोबारा खोलेगा, उसमें आप कुछ भी, जैसे आपने कॉलेज कम भरी है तो कॉलेज प्लस कर सकते हो, कॉलेज प्लस करते सकते हो, और आपने ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा। और आपने ये नए कॉलेजों को ऐड करना चाहते हो तो उनको ऐड आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? ये तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा इस चीज़ का। और रही आपकी फर्स्ट लिस्ट की बात, तो फर्स्ट लिस्ट अभी से 2-3 दिन तक तो ये आपको चलेगा काउंसलिंग वाली प्रक्रिया, इसके बाद में आपकी फर्स्ट लिस्ट को जारी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो अभी से कोई फिक्स नहीं है कितना टाइम लगेगा कि आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाए। और आप जिन अभ्यर्थियों के 300+ नंबर आ रहे हैं वो जरूर काउंसलिंग करा लें, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई कोई कारणवश काउंसलिंग नहीं करा पाया है तो, ठीक है दोस्तों? और हम आपको की जानकारी ले के लिए बता दें कि जिन अभ्यर्थियों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों? उस पर आपको नई नई अपडेट मिल जाएगी विदाउट वीडियो के, आपको सीधा कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम शेयर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों? और कम अंक वाले भी करा सकते हैं, इसमें क्या है, काउंसलिंग जिन बच्चों के थोड़े कम अंक आ रहे हैं, ठीक है? काउंसलिंग अभी आपको सभी को ही करानी पड़ेगी, लेकिन फीस नए अभ्यर्थियों को भरनी होगी, ठीक है दोस्तों? ठीक है, वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।